तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑलिविंग टेक। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को पल्सर 150 क्लासिक में 2013 मॉडल में रेयर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करके दिखाने वाला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और शेयर करें या ना करें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लाइक जरूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो दोस्तों एक बार फिर हम नाजिम भाई की दुकान पर हाजिर हैं और ये है हमारे नाजिम भाई। इन्होंने आज फिर एक पल्सर 150 क्लासिक पर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल किया है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त मिस्टर अनीस खान की है। जो कहाँ से आए भाई आप? ये हमारे फ्रेंड आइए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे दोस्त अनीस ये आए हैं कहाँ से? रघुवीर नगर। देख सकते हैं आप लोग, ये पल्सर 150 है। ओके, इसमें आज हमने डिस्क ब्रेक, रेयर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल किया है, ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे दिखाऊंगा और इससे पहले इसका क्या लुक था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, ये है अपनी वो बाइक पल्सर 150 2013 मॉडल। ओके, तो आज हम इसी में ही रेयर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने वाले हैं। ये बाइक है मिस्टर आसू खान की, सॉरी मैंने पहले आपको नाम गलत बता दिया था। ओके, इसे मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसमें अभी ड्रम ब्रेक है। ओके, और इसके ये कंपनी का ही वो पुराना वाला मडगार्ड है। ओके, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको पूरी वीडियो, पूरा प्रोसेस मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, शुरू से लेकर एंड तक, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो नाजिम भाई शुरू करते हैं। सामान दिखा दे देखो, ये है सारा सामान, है ना। ये पल्सर 220 का है टायर, इसमें वार्ड है ना, और ये सारा सेटअप है। पहले नाजिम भाई क्या कर रहे हो? टायर खोल रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों, नाजिम भाई ने ऑलरेडी एक्सल का नट खोल लिया है। अब वो ड्रम होल्डर का नट खोलेंगे, उसके बाद में वो ब्रेक का नट खोलेंगे। ओके, और उसके बाद में एक्सल पर चोट मार के एक्सल को बाहर निकाल के पहिए को बाहर निकाल लेंगे। ओके, बोले तो रेयर टायर को बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आ गया अपना रेयर टायर बाहर। ओके, तो चलिए अब उसके बाद अब अपना हम चेन सेट खोल लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर का प्लास्टिक वाला मडगार्ड, ओके, जो पल्सर 150 में होता है, इसे अपनी अब हम तो चेन सेट खोलने के बाद अब हम खोल लेंगे ये सस्पेंशन के दोनों नीचे वाले बोल्ट। ओके, इन दोनों को खोल लेंगे, उसके बाद हमारा झूला नीचे की साइड झूल जाएगा। ओके, उसके बाद हम अपना खोल लेंगे सेंटर बोल्ट। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये अपना स्विंगर बोले तो झूला ये नीचे की साइड झूल गया। ओके, अब हम खोलेंगे अपना सेंटर बोल्ट बोले तो साफ। ओके, तो सेंटर बोल्ट में ही अटैच रहता है रेयर फुटर। ओके, और रेयर फुटर में अटैच रहता है साइलेंसर, तो हमें साइलेंसर का ये वाला नट भी खोल के लेना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। उसके बाद हमें ये सेंटर बोल्ट के नीचे, आप देखो नीचे की साइड में यहाँ पे भी एक छोटा सा नट होता है जो फुटरेस्ट के बैलेंस को क्रिएट करता है, उसे भी हमें खोल के लेना पड़ेगा, तभी हमारा ये फुटरेस्ट बाहर आएगा। ओके, तो चलिए इसे भी खोल लेते हैं। दोस्तों ठीक उसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी फुटरेस्ट खोल लेंगे। इस साइड का हमने बैटरी पैनल भी खोल लिया, अब फुटरेस्ट को थोड़ा सा हिलाएंगे और सेंटर बोर्ड को हम खींच के बाहर निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद में अब हम अपना गियर लीवर भी खोल लेंगे। ओके, क्योंकि हमें वो पैनल भी खोलना है जहाँ पे हमारे बाइक की वो छोटी वाली गिरारी होती है जिसमें चैन सेट चलता है, जो इंजन से चैन को रोटेट करता है। ओके, हमें उसे भी खोल के बदलना पड़ेगा क्योंकि उसका भी साइज दूसरा होता है। तो चलिए उसको भी खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये झूला बोले तो स्विंग आर्म भी खुल चुका है। ओके, और अब हम ये फ्रंट वाले फुटरेस्ट भी खोलेंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये भी वेस्ट हो जाना है। ओके,
मैं थोड़ा सा लेट हो गया और कंपनी ने पहले मॉडल लॉन्च कर दिया। हमने पहले बना दिया नहीं, कंपनी ने मॉडल पहले लॉन्च कर दिया भाई, हम थोड़ी सी लेट हो गए। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने सब कुछ खोल दिया है, स्विंग आर्म और चैन सेट और फुटरेस्ट वगैरह सब कुछ खोल दिया, बस हमने केवल सस्पेंशन छोड़ दिया है और साइलेंसर छोड़ दिया है, इसके अलावा सब कुछ खोल दिया है। अब हम शुरू करेंगे अपना काम, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे स्विंग आर्म। ओके हाँ, शुरू करो। तो दोस्तों, स्विंग आर्म को इंस्टॉल करने से पहले हम अपने स्विंग आर्म को सस्पेंशन से अटैच कर लेंगे, उसका नट लगा देंगे ताकि उसका बैलेंस बन जाए, उसके बाद हमें स्विंग आर्म इंस्टॉल करने में आसानी होगी। वो क्योंकि हमें सिर्फ स्विंग आर्म इंस्टॉल नहीं करना है, साथ में फुटरेस्ट भी दोनों लगाने हैं। ओके, इसलिए पहले हम उसका बैलेंस बना लेते हैं अपने स्विंग आर्म को सस्पेंशन के साथ अटैच करके। ओके, चलिए हो गया। और एक चीज़ दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये जो सस्पेंशन आप देख रहे हैं ये पल्सर 150 वाला ही है, पहले वाले हैं। ओके, इसे हमने चेंज नहीं किया है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ गौर करनी है, जब आप जब आप स्विंग आर्म इंस्टॉल करोगे पल्सर 150 की चेसिस में, तो अंदर की साइड में आप देख सकते हो, गौर से देखना, एक एक वॉशर हमने लगाए हैं इस साइड भी और उस साइड भी। ओके, वो लगाएंगे तभी हमारा गैप जो है फिल होगा, क्योंकि पल्सर 180 का जो स्विंग आर्म है वो थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो उसकी वजह से बीच में गैप रह जाता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए वो वॉशर हम लगाएंगे। ओके, उसके ऊपर से हम फिर फुटरेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, इसमें हमने सारा सामान सेकंड हैंड लगाया, क्योंकि न्यू अगर लगाते तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता और सारा सामान ए टू जेड जो हमें चाहिए वो सारा सामान अवेलेबल भी नहीं हो पाता, इसलिए हमने सेकंड हैंड लगाया। सेकंड हैंड हमें ईजिली मिल जाता है, और प्लस में ये भी है कि उसके जो छोटे मोटे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे हमें सेकेंड हैंड सामान खरीदने पर मिल जाता है। ओके, इसलिए हमने सारा सामान इसमें सेकेंड हैंड। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो वो किक जो आपको दिखाई दे रही है उसके जस्ट पीछे ही आपको वो वॉशर दिखेगा, स्विंग आर्म के अंदर अंदर की साइड में जो चेचिस के पास में लगा हुआ है। ओके, वो लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका गैप फिल नहीं होगा और स्विंग आर्म जो है वो इधर उधर हिलता रहेगा। ओके, तो देख सकते हैं वो पल्सर 150 में ही था ऑलरेडी पहले से, तो वही हमने लगा लिया है। अंदर की साइड ही लगाना है आपको, बाहर की साइड नहीं लगाना है। ओके, अब हम अपने फुटरेस्ट के नीचे वाला बोल्ट भी टाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे चैन गिरारी। दिखाना है, डिफरेंस दिखा दो एक बार दोनों गिरारियों में, एक बार मिलाओ, मैच करो इसको, इनके दांतों को बहुत चीज़ों का फर्क है, ये बड़ी होती है छोटी होती है। तो चेन गिरारी हम बिल्कुल नहीं लगा दे रहे हैं, क्योंकि पुरानी वाली के दांते सारे घिस चुके थे, सारे कट चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि ये नया ही लगा देना बेटर होगा। ओके, इसलिए हमने नया मंगा लिया और इसको नए वाले को इंस्टॉल करते हैं। ओके, दोस्तों चैन थोड़ी सी गंदी हो रखी है, वो जब हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपने इस बाइक की वॉशिंग कराएंगे, और वॉशिंग के टाइम पे अपने इस चैन को भी वॉश करके ल्यूब कर लेंगे। ओके, ये इसको आप जितना मर्जी डाउन करवा सकते हो, नीचे करवाना नीचे करवा लो, ऊपर करवाना ऊपर करवा लो, मीडियम ठीक है ना। तो दोस्तों देख सकते हो, दोनों ही चैन पॉकेट में कितना डिफरेंस है। एक वो जिसमें आप पाइप से देख रहे हैं, वो उसमें चूड़ियां होती हैं और वो उसी के थ्रू से क्या बोलते हैं पल्सर 150 के स्विंग आर्म में अटैच होती है। ओके, और वहीं जो दूसरी साइड है उसमें कोई चूड़ी नहीं है और कोई पाइप नहीं है, वो एक्सल के थ्रू ही उसमें अटैच होती है। प्लस दोनों के दांतों में भी डिफरेंस है और दोनों के साइज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्विंग आर्म में चैन एडजस्टर इंस्टॉल करेंगे। ओके, इसके बाद अब हम अपना चैन सेट इंस्टॉल करेंगे। तो
देखिए किस तरीके से नाजिम भाई चैन इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है एक्सल, और एक्सल में से हम एक भोगली बोले तो एक वाशर टाइप निकाल करके वो हम अपने चैन सेट में सेट करेंगे। उसके बाद में और चैन स्प्रोकेट को एक्सल में सेट करेंगे। ओके फाइनली दोस्तों हमने अपने चैन स्पोकेट से चैन लगा करके उसका लॉक भी लगा दिया है, देख सकते हैं। दोस्तों अब हमने अपने इस तरफ का चैन एडजस्टर भी ढीला करके अंदर कर दिया है। ओके अब हम इंस्टॉल करेंगे अपना रियर टायर। दोस्तों इसमें भी हम वही टायर यूज़ करने वाले हैं 120/80/17। ओके जो मैंने अपनी बाइक में यूज़ किया था आपने देखा भी था, तो सेम वही साइज़ हम इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। ओके जिससे बाइक का लुक जो है और भी स्पोर्टी। तो दोस्तों यही है सबसे इम्पोर्टेंट जगह जिसे आपको सबसे ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत है। ओके क्योंकि बिना इसके अपनी सारी वीडियो अधूरी है, और इसे देखने के बाद ही आप अपनी बाइक में पूरी तरीके से रेयर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर पाओगे। अगर कोई भी एक कमी रह गई तो आप इस चीज़ को बिना इसकी हेल्प के नहीं कर पाओगे। ओके चलिए अब आ गया फाइनल स्टेज रेयर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने का। ओके तो चलिए देखते हैं नाजिम भाई किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं, और ये देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको भी देखना कि किस तरीके से लगेगा। ओके तो अब यहाँ से आप सारी वीडियो बड़े गौर से देखना, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे और अपनी बाइक में भी रेयर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर पाओगे। ओके तो दोस्तों देख सकते हो ये है अपनी बाइक के डिस्क पैड। ओके जो अभी बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन में है, इनमें ज़्यादा घिसावट नहीं है, ये बिल्कुल ही अच्छे कंडीशन में है, तो इसी को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। देख सकते हो दोस्तों ये है डिस्क का कैलिबर और कैलिबर होल्डर जो हमारे स्विंग आर्म के साथ अटैच होगा। तो इसको नाजिम भाई अब सेट करने वाले हैं, और इसमें से हमने सारे पाइप और कनेक्शन जो भी है ऑयल कनेक्शन वो सारे हमने इसमें से खोल लिए हैं। उसके बाद हम जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद हम इसमें पाइप का कनेक्शन वगैरह दोबारा से करेंगे, और फ्यूल भी दोबारा से इसमें डालेंगे, फ्यूल बोले तो ब्रेक ऑयल। ओके चलिए दोस्तों अब लगे हाथ अपनी चैन के एडजस्टमेंट को भी सेट कर लेते हैं, अपनी बोले तो अपने चैन को टाइट कर लेते हैं, बिल्कुल सेट कर लेते हैं। ओके अब हम अपने एक्सल का बोल्ट 22 नंबर का जो होता है उसे भी फुल टाइट कर लेंगे, फुल सेट कर लेंगे। ओके और अब आ गई बारी दोस्तों राइट हैंड साइड के फुटरेस्ट की, जिसमें डिस्क ब्रेक के लीवर की असेंबली होती है, डिस्क ब्रेक लीवर की असेंबली होती है। ओके उसे हम सेट कर लेंगे, उसके बाद हम उसे इंस्टॉल करेंगे। ओके तो नाजिम भाई देखिए किस तरीके से सेट भी कर रहे हैं, उसके बाद किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद हम सारी पाइप लाइनों को सेट करेंगे। ओके ये पहले वाला है। हाँ भाई तो दोस्तों देख सकते हो हमने पिछला वाला जो पहले था वो कनेक्शन ब्रेक लाइट का वो हमने हटा दिया है, देख सकते हो आप। और अब हम ये अपने डिस्क ब्रेक के असेंबली के साथ में जो अटैच है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसको प्लग को प्लग इन करेंगे। ओके उधर घूम रहा हो? नहीं उधर घूम, क्या है? हाँ
जी की शायद लग जाए। नहीं लगेगी भाई, ये चीज़ मार देगी ना यहाँ पे, वो अंदर होगी नहीं क्योंकि ये छोटे हैं, अगर ये थोड़े से लंबे होते तो अंदर हो जाती। सारी पढ़ाई पढ़ रखी है एक एक पार्ट की। हाँ फोटो निकल जाए फिर लग जाएगी। नहीं लग जाएगी, तब लग जाएगी, नहीं अटकेगी। मैं पहले बोला था तुम्हें, तब तुम इतना परेशान हो रहे थे। इसका डब्बी निकाल करके तब वो करना पड़ेगा, अंदर फिक्स करोगे? ये तो कहीं भी लगा दे, इधर इधर कहीं बहुत जगह होती है, कोई दिक्कत नहीं। गिरेगा ऑयल, गिरेगा ऑयल, गिरेगा। मैंने अपनी यही साइड कर दी, मुझे पत्ती से लगा दूँगी। हाँ वो आजकल गाड़ियों में आ रही है ना, वो सो बाजी में फिर बच्चे उखाड़ के घर ले जाते हैं। ये दो पेज पे तो रहती है देखो ना, एक एक टूट रखी है, दो होती है, और बच्चे ला के डब्बी कंचे रखेंगे इसमें। कितनी महंगी है निकालो। ऑयल डालो इसमें, चेंज कर दो ये वाला है भाई, और रखा था चेंज हुआ था ना, पीला हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये है हमारा फाइनल स्टेप, अब हम इस डब्बी में ऑयल फिल करेंगे, ब्रेक ऑयल, और उसके बाद प्रेशर जनरेट करेंगे, देन हमारा काम फिनिश और हमारी बाइक बिल्कुल ही तैयार। ओके प्रेशर बनाओ। दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको हर पॉइंट समझाने की कोशिश करी है, हर चीज़ दिखाने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों को भी अपनी बाइक में अगर रियर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करना हो तो किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रह जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने इस वीडियो में हर चीज़ को दिखाया है, हर पार्ट को दिखाया है। ओके इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं श्योर आपको उसका जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।